अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सिविल एडिटर 2017 का। तो अभी हम इसमें एक वाटर फ्यूल पेट्रोल डालेंगे, फिर कारपेट पर बिल्कुल खाली करेंगे, दैन चलेंगे हाईवे की तरफ। मैं आपको पहले से बता दूँ हम इसकी सिटी राइड में इसकी फुल एवरेज टेस्ट नहीं करेंगे, हम हाईवे पर जाएंगे, इसको 40-50 की स्पीड पर चलाएंगे और चेक करेंगे कि इसने हमें कितनी एवरेज क्योंकि हम एक बॉटल में एक वाटर फ्यूल डाल के फिर उसको मल्टीप्लाई और फोर करेंगे जो फिगर है, फिर आपको स्क्रीन पे शो होंगे कितने इस बाइक में कितनी एवरेज। अभी बाइक इस टाइम 46 किलोमीटर चला रहा है, इस टाइम ड्रिवन है। हम जो भी इसके फिगर होंगे उसमें से प्रेस करके प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि इस बाइक में कितने ये तो व्यू ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका कार्बोरेटर बिल्कुल जीरो हो रहा है, जो भी इसमें कार्बोरेटर में फ्यूल था वो सारा हमने इस पोर्टल में निकाल लिया है ताकि कार्बोरेटर बिल्कुल खाली रहे, उसमें बिल्कुल एचओ इसके फिगर मिल सके। ये कार्बोरेटर बिल्कुल जीरो हो गया, तो अभी इसको बाइक के साथ अटैच करते हैं और चलते हैं टेस्ट राइडिंग के लिए। जी तो व्यूअर्स अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं फ्यूल एवरेज टेस्ट। ये आप देख सकते हैं बाइक इस टाइम 46 किलोमीटर चला हुआ है और अभी हम इसको चलेंगे हाईवे की तरफ लेके और चेक करेंगे इसका फ्यूल एवरेज हमें कितनी एवरेज देता है। तो आए स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसको चलाएंगे 40 और 60 की स्पीड पे। और सामने हाईवे है, वहाँ पे हाईवे की तरफ चलेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जी तो व्यूअर्स अभी हम हाईवे पे आ गए हैं और अभी इस बाइक को कांस्टेंट चलाएंगे 50 की स्पीड पे, क्योंकि हर बंदे का एवरेज लेने का स्टाइल अपना है और हर बंदे के राइडिंग स्टाइल पे एवरेज डिपेंड करती है। तो अभी हम इसको कांस्टेंट स्पीड पे फोर्थ गियर में एंड 50 की स्पीड पे चलाएंगे और देखेंगे बाइक हमें कितनी एवरेज देता है, क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें विद इन सिटी बाइक की एवरेज नहीं मिल रही। तो कभी भी सिटी में बाइक की कार की एवरेज नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पर हर टाइम गियर की शिफ्टिंग चल रही होती है। तो एवरेज हमेशा लॉन्ग रोड पे मिलती है, कांस्टेंट गियर में मिलती है और कांस्टेंट स्पीड में मिलती है। तो अभी हम जा रहे हैं, बाइक 49 किलोमीटर चल चुका है, तो देखते हैं हमें ये कहाँ तक लेके जाता है। आज रखेंगे हम इसकी जस्ट 50 की स्पीड, फोर्थ गियर इंस्टेंट स्पीड पे हम इस बाइक को चलाने वाले हैं आज। फ्यूल की बोतल आपके सामने है, उसमें फ्यूल है और इसकी आज एवरेज है 46 किलोमीटर। आपने भी याद रखना है और मैंने भी याद रखना है, ये ड्रिवन था पहले, फिर उसमें से हम उस फिगर्स को माइनस करेंगे। तो व्यूअर्स अभी ये 51 किलोमीटर के राउंड अबाउट चल गया है बाइक, तकरीबन हमने 46 पे लिया था और ये 5 किलोमीटर चल चुका है और अभी हमारे पास इतना सा फ्यूल बाकी रह गया है और अभी हम इसको कांस्टेंट 50 की स्पीड पे चला रहे हैं इस बाइक को। इसमें कोई हाई स्पीड पे शिफ्टिंग नहीं हो रही है, कोई गियर्स की शिफ्टिंग अप डाउन नहीं हो रही, क्योंकि सिटी में हम नहीं चला रहे हैं, हम इसको एक हाईवे पे कांस्टेंट स्पीड पे इसको इसकी फ्यूल एवरेज टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी भी यही क्लेम करती है कि स्टेबल गियर में और स्टेबल स्पीड पर हमेशा से एक चीज़ की फ्यूल एवरेज काउंट होती है, बेशक वो कार हो बाइक हो, उसकी एक स्टेबल स्पीड पर उसकी फ्यूल एवरेज कैलकुलेट होती है। तो अभी 52 किलोमीटर ये बाइक होने वाला है और तो व्यूअर्स बाइक इस टाइम 54 किलोमीटर चल चुका है और ये बिल्कुल चलता ही जा रहा है, ऑलमोस्ट ये 9 किलोमीटर चल गया है अभी तक और आगे देखते हैं कि बाइक हमें ये कहां तक लेके जाता है, क्योंकि हम इसको कांस्टेंट कभी 40 पे कर रहे हैं कभी 50 पे कर रहे हैं, तो यही इसकी इकोनॉमी स्पीड है और ये बाइक इसी पे अभी तक चलता जा रहा है। जी तो व्यूअर्स फाइनली 56 किलोमीटर 10 किलोमीटर ये बाइक चल चुका है इन वन अटेम्प्ट।
और हम इसको कांस्टेंट हमने 40 एंड 45 पर 50 पे रखा हुआ है, और ये बाइक अभी देखें हमें कहाँ तक पहुँचाता है आज, और इसकी सारी टेस्टिंग आज चल रही है इस बाइक की। वैसे हमारे पास फ्यूल थोड़ा सा रह गया यहाँ पे। फाइनली व्यूअर 60 किलोमीटर, बाइक 60 किलोमीटर चल चुका है ऑलमोस्ट, हमें इस टाइम ये 14 किलोमीटर की एवरेज दे चुका है। तो अभी हमारे पास फ्यूल आपको शायद कैमरे में दिख रहा हो तो हमारे पास बहुत कम रह गया, और अभी देखते हैं कि हमें ये किस्त कहाँ तक लेके जाता है। और अभी ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर चल चुका है, ये आपके सामने मीटर रीडिंग आपको 60 की शो हो रही होगी, और अभी देखते हैं कि बाइक हमें मज़ीद हमें कहाँ तक लेके जाता है। सो व्यूअर्स 64 किलोमीटर, बाइक इस टाइम 64 किलोमीटर चल चुका है, ये आप देख सकते हैं हमें काफ़ी इम्प्रेसिव एवरेज दे रहा है ये बाइक। हमने 46 पे लिया था, इस टाइम ये 64 पे चला गया है, और बस फ्यूल हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड होने वाला है, और फिर देखते हैं ये बाइक हमें कहाँ तक लेके जाता है। 64 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव एवरेज है 370 की ऑलमोस्ट, क्योंकि इस बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमें इस बाइक की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी मिलती है। इसको स्टिल हमने 50 की स्पीड पे चलाया है। सो व्यूअर्स, अभी बाइक मिसिंग करने लग गया है, इसमें फ्यूल ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, और अभी हम यहाँ पे साइड पे बाइक को खड़ा करते हैं और देखते हैं कि हमें इससे कितनी एवरेज दी। तो अभी चेक करते हैं, इसको साइड पर खड़ा करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस टाइम इसका मीटर 66 किलोमीटर चल चुका है, और हमारे पास यहाँ पे फ्यूल ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, क्योंकि अभी इसमें इसके कार्बोरेटर में इंजेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी जब हमने ये बाइक ली थी तो हमारे पास 46 किलोमीटर चला हुआ था, तो अभी हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमें इस बाइक ने कितनी एवरेज दी। तो व्यूअर्स, अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये सब फिगर्स आपको आपके स्क्रीन पे भी शो हो जाएंगे। अभी हम इसको 0-0 करते हैं, जब हमने बाइक लिया था तो 46 किलोमीटर चला हुआ था, और हमारे पास यहाँ पे भी ये 66 किलोमीटर है, तो अभी हम 66 में से माइनस करते हैं 46, होप्स हो कि आपको स्क्रीन कैमरे में नज़र आ रही हो, तो हमारे पास 20 किलोमीटर की एवरेज बन रही है। अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो तकरीबन ये 80 किलोमीटर तक हमें बाइक एवरेज देने के प्रोवाइड रखता है, सलाहियत रखता है, क्योंकि इस बाइक का जो कार इस बाइक का प्लस पॉइंट ये है कि ये एक फ्यूल एफिशिएंट बाइक है, लो इकोनॉमी बाइक है। और अभी हमने आपके सामने चलाया इसको 40 और 50 की स्पीड पर, हमने इसको रनिंग दी, इसको चलाया, और सारे इसके मामला आपके स्क्रीन पे थे, क्योंकि बाइक फ्यूल एफिशिएंट बहुत ज़्यादा। सो व्यूअर्स, अभी आपने देखी CD70 2025 मॉडल की फ्यूल एवरेज टेस्ट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखें, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।